Hi everyone. Today we are going to start the second part of the lesson on saying please. In first part, we have seen that liftman thrown out the passenger and the passenger complained about this. This was only the matter of please. Discourtesy is not a legal offense. यानि असभ्य व्यवहार करना कानूनन गुनाह नहीं है, परंतु असभ्य व्यवहार के कारण हमें जीवन में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा असभ्य व्यवहार आसपास के वातावरण को कैसे खराब करता है, इसका वर्णन लेखक अल्फ्रेड गार्डिनर ने आगे दिया है। चलिए तो सेकेंड पार्ट ऑफ ऑन सेइंग प्लीज शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। दिस डज नॉट मीन दैट द डैमेजेस आर निग्लिजिएबल। निग्लिजिएबल यानी बहुत कम। अब कल तक हमने देखा था कि असभ्य व्यवहार से कोई डैमेजेस नहीं होता है, यानी वो कानूनन गुनाह तो नहीं है, पर आगे लेखक कहते हैं कि इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि असभ्य व्यवहार के कारण जो हमें डैमेजेस होते हैं, जो हमारा नुकसान होता है, वह बहुत कम होता है। इट इज प्रोबेबल दैट द लिफ्टमैन वॉज मच मोर एक्यूटली हर्ट बाय वॉट ही रिगार्डेड एज अ स्लर अपॉन हिज सोशल स्टैंडिंग। अब लेखक आगे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा संभावना है कि जो लिफ्टमैन है वह एक्यूटली हर्ट यानी तीव्रता से उसकी भावनाएं दुखी होंगी, क्योंकि उसको जो स्लर यानी अपमानजनक शब्द मिले थे वो भी उसके लिए उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाले थे। देन ही वुड हैव बीन इफ ही हैड अ किक ऑन द शिन्स फॉर विच ही कुड हैव गॉट अ लीगल रिड्रेस। अब लेखक आगे कहते हैं कि अगर उसके पैरों के नीचे, शिन यानी घुटने के नीचे का भाग, अगर पैरों के नीचे उसे मारा होता या फिर किसी ने उसे लात मारी होती पैरों के नीचे, तो भी उसके लिए रिड्रेस यानी निवारण, लीगल रिड्रेस यानी कानूनन, उसके लिए भी एक निवारण का कानून है, मतलब वहाँ से भी वो बाहर निकल जाता था, परंतु ये बात थी उसके सेल्फ रिस्पेक्ट की, उसके आत्मसम्मान की। द पेन ऑफ द किक ऑन द शिन्स सून पासेस अवे बट द पेन ऑफ अ वुंड टू आर सेल्फ रिस्पेक्ट और आर वैनिटी में पॉइजन अ होल डे। अब वो लेखक आगे बोलते हैं कि शारीरिक वेदना अगर किसी ने मारा है, हमें शरीर को पीड़ा पहुंचाई है, तो वो भी सून पासेस अवे, बहुत जल्दी हम वो भूल जाते हैं, लेकिन जब हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान और वैनिटी यानी हमारा ईगो, हमारा अभिमान, इनको जो ठेस पहुंचाई जाती है वो पूरे दिन को जहरमय बना देती है। आई कैन इमेजिन दैट लिफ्टमैन डिनाइड द रिलीफ ऑफ थ्रोइंग द ऑथर ऑफ हिज वुंड आउट ऑफ द लिफ्ट, ब्रूडिंग ओवर द इंसल्ट बाय द ऑर आर एंड विजिटिंग हिज वाइफ इन द इवनिंग एज द ओनली वे रिस्टोरिंग हिज इक्विलिब्रियम। अब लेखक बोलते हैं कि आई कैन इमेजिन इट, मैं कल्पना कर सकता हूँ कि लिफ्टमैन को जब उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची थी, उसको बुरा लगा था, तो उसने पैसेंजर को जो बाहर फेंका था उसको कितना रिलीफ वहां पर हुआ होगा, क्योंकि वो जानता है कि शाम को मुझे अपनी पत्नी के साथ मिलना है और अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना है, इक्विलिब्रियम यानी संतुलन। फॉर देर आर फ्यू थिंग्स मोर कैचिंग दैन बैड टेम्पर एंड बैड मैनर्स वेन सर एंथनी एब्सोलेट बलाइड कैप्टन एब्सोलेट। अब आगे लेखक एग्जाम्पल देते हैं कि बैड टेम्पर यानि क्रोध और बैड मैनर्स यानि असभ्य व्यवहार, इनका कितना जीवन पर इफेक्ट होता है। वैसा ही इफेक्ट गुड मैनर्स का भी होता है, लेकिन बैड मैनर्स का कैसे इफेक्ट होता है उसका एक एग्जाम्पल आगे देते हैं। सर एंथनी एब्सोलेट है, वो पलाइड यानि धमकाते हैं, किसे, तो अपने कैप्टन एब्सोलेट। अब सर एंथनी एब्सोलेट के अंडर है कैप्टन एब्सोलेट, वो उनको धमकाते हैं और कैप्टन एब्सोलेट वह गुस्सा पचा लेते हैं वहाँ पर, क्योंकि वो अपने बॉस के आगे कुछ नहीं बोल सकते। फिर कैप्टन एब्सोलेट क्या करते हैं, द लैटर वेंट आउट एंड बलाइड हिज मैन, और कैप्टन नीचे आते हैं और उनके नीचे जो उनका व्यक्ति है जो उनके नीचे काम करता है उस पर वह धमकाते हैं, उन पर वह चिल्लाते हैं। फिर आगे क्या होता है, फैग वेयर अपॉन फैग वेंट आउट डाउन स्टेयर्स एंड किक द पेज बॉय। अब उनका कैप्टन जो एब्सोलेट है, उनका जो नौकर था वह है फैग, और फैग जो क्या करता है, उसके मालिक की बुरी बातें है, धमकाना है, वह सुन लेता है और वह नीचे डाउन स्टेयर्स यानी सीढ़ियों से नीचे जाना, और सीढ़ियों से नीचे जाकर उसका जो नौकर है उसको क्या करता है, लात मारता है। मतलब ये लेखक का कहना ये है कि असभ्य व्यवहार की श्रृंखला एक से शुरू होती है, लेकिन वो आगे कैसे बढ़ती जाती है। प्रोबेबली द मैन हु सेट टॉप टू द लिफ्ट मैन वॉज रियली ओनली गेटिंग बैक ऑन हिज एम्प्लॉयर हु हैड नॉट सेड गुड मॉर्निंग टू हिम।
अब लेखक यहाँ पर बोलते हैं कि प्रोबेबली ऐसा भी हुआ होगा कि जो पैसेंजर अंदर आया था लिफ्ट में, वह लिफ्ट मैन को बस स्टॉप बोलता है, क्योंकि उसका जो एम्प्लॉयर है उसने उसे गुड मॉर्निंग नहीं कहा होगा, उसने उसे वह सम्मानजनक शब्द नहीं दिए होंगे, और इस गुस्से में उसने भी लिफ्ट मैन को आगे वैसे शब्द नहीं दिए. Because he himself had been henpecked at breakfast by his wife. अब उसके employer, यानी उसका मालिक जो है, उसका boss जो है, उसने भी उसको good morning क्यों नहीं कहा? क्योंकि उसके wife ने भी नाश्ते के समय, उस boss के wife ने भी नाश्ते के समय पर उससे कुछ शिकायत की या फिर कुछ गलत शब्दों का प्रयोग किया. अब boss के wife ने भी उसके husband के साथ, उनके पति के साथ ऐसे व्यवहार क्यों किया? तो to whom the cook had been insolent because the housemaid had answered her back. क्योंकि उसका कुक जो है, यानी भोजन बनाने वाला, उस कुक ने उनके साथ अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं किया था, उनके वाइफ के साथ. इंसोलेंट, इंसोलेंट शब्द यहाँ पर दिया गया है, और इंसोलेंट का मीनिंग होता है बदतमीज. तो जो कुक है, आचारी है, उसने बदतमीजी से उनके जो उनके बॉस है उनके वाइफ्स के साथ बात की थी, तो उसकी बदतमीजी की जो बात है अपने दिमाग में रखकर वाइफ ने अपने हस्बैंड के साथ की, और हस्बैंड ने फिर अपने एम्प्लॉई के साथ की. और वो कुक भी उनके साथ बदतमीजी से क्यों पेश आया? क्योंकि जो उनके घर के हाउसमेड है, यानी जो नौकरानी है, सर्वेंट है, उसने उनको उद्धटता से answered her him back, उनको जवाब दिया था, रिटर्न में जवाब दिया था, जिसकी वजह से वो भी गुस्से में थे. मतलब ये श्रृंखला कैसे चलती है ये लेखक ने बताया है. उसके आगे, वी इन्फेक्ट द वर्ल्ड विथ आर इल ह्यूमर्स. इल ह्यूमर यानी बुरा व्यवहार. हम हमारे बुरे व्यवहार से पूरे अपने आजू बाजू का जो वातावरण है या फिर जो पूरा जग है उसको इन्फेक्ट करते हैं, उसको खराब करते हैं. हमारे बुरे व्यवहार का असर हमारे आजू बाजू के लोगों पर होता है. बैड मैनर्स प्रोबेबली डू मोर टू पॉइजन द स्ट्रीम ऑफ द जनरल लाइफ देन ऑल द क्राइम्स इन द कैलेंडर. और आगे लेखक कहते हैं कि जो बुरा व्यवहार है वह बहुत सारे क्राइम जो है, बड़े बड़े क्राइम्स होते हैं कैलेंडर में, उससे भी सबसे ज़्यादा पॉइजनस अगर कुछ होता है, अगर जहरीला कुछ होता है, तो हमारा बुरा व्यवहार होता है. For one wife who gets a black eye from an otherwise good-natured husband, there are 100 who live a life of martyrdom under the shadow of the morose temper. अब लेखक आगे कहते हैं कि एक पत्नी है जिसका हस्बैंड बहुत अच्छा है, पति बहुत अच्छा है स्वभाव से, फिर भी उसके आंखों के नीचे ब्लैक सर्कल्स आते हैं, फिर भी उसे कभी ना कभी कुछ बुरे व्यवहार को गुजरना पड़ता है. लेकिन उस एक पत्नी की अपेक्षा ऐसी 100 पत्नियां हैं कि जिनके हस्बैंड से उनको मारपीट मिलती है या फिर कुछ बुरा व्यवहार मिलता है, और ऐसे मोरोज टेम्पर यानी उदासीनता, नाराजगी का साया उन पर हमेशा रहता है, और मार्टियरडम यानी शहादत की जिंदगी वो जीते हैं. बट ऑल द सेम द लॉ कैन नॉट बिकम द गार्डियन टू आर प्राइवेट मैनर्स. पर हमेशा की तरह इन अपने प्राइवेट मैनर से अपने निजी जिंदगी में लॉ नहीं आ सकता है, उनको भी लॉ कुछ संरक्षण नहीं दे पाता है. No decalogue could cover the vast area of offences and no court could administer a law which governed our social civilities. Decalogue यानि Jesus Christ, ईसा मसीह के जो प्रधान आदेश है, उनकी जो 10 आज्ञाएं है, उसको decalogue बोला है. तो लेखक बोलते हैं कि कोई ईसा मसीह के आदेश भी हमें उस बैड मैनर्स के इफेक्ट से नहीं बचा सकते हैं, और ना ही कोई कोर्ट है जो प्रशासित करता है सोशल सिविलिटीज पर, यानी हमारा सोशल में, समाज में व्यवहार कैसा होना चाहिए, इसको कोई भी कोर्ट भी प्रशासित नहीं करता है, और ना ही ईसा मसीह के आदेश. तो वो किस किस को प्रशासित नहीं कर सकता है, हमारे कौन से व्यवहार में बीच में नहीं आ सकते हैं, ये आगे बताते हैं. सोशल सिविलिटीज, आर स्पीच, द टिल्ट ऑफ आर आईब्रोज एंड ऑल आर मूड्स एंड मैनर्स. हमारे मूड, हमारे मैनर्स, हमारी जो व्यवहार है, हमारे जो चेहरे के एक्सप्रेशंस है, हमारे सोशल सिविलिटीज है, इन सब में ये ना कोर्ट बीच में आता है, ना ही डिकेलॉग ये बीच में आते हैं. आज इतना ही हम लेते हैं. इसके आगे इस पैसेज को लेकर जो क्वेश्चंस पूछे हैं उसके क्वेश्चंस आंसर्स हम आगे लेंगे. उसमें सबसे पहला है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल पेन एंड द पेन ऑफ द वुंड कॉज टू वन सेल्फ रिस्पेक्ट. आपके स्क्रीन पर है कि ऑथर के मत के अनुसार जो फिजिकल पेन है, जो हमें शारीरिक वेदनाएं दी जाती है, उसमें
और जो हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान को वेदना दी जाती है, उसमें क्या डिफरेंस है? तो आगे उसका जवाब है, वी ऑलवेज थिंक ऑफ फिजिकल पेन व्हेन वी टॉक अबाउट पेन। जब भी हम पेन के बारे में सोचते हैं तब भी हम सबसे पहले हमारे शारीरिक वेदनाओं के बारे में ही सोचते हैं, या फिर वही हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है। बट द वूंड इज डीपर एंड स्कार डार्कर व्हेन सेल्फ रिस्पेक्ट इज डैमेज। पर जब वेदना बस शारीरिक ही नहीं होती है, वेदना वो भी होती है जो हमारे आत्मसम्मान को पहुंचाई जाती है, और वो ज़्यादा डीपर यानी बहुत गहरी भी होती है वह चोट, और बहुत डार्क भी होती है, डार्कर भी होती है। द फिजिकल पेन पासेस अवे सून बट द पेन ऑफ वूंड टू आर सेल्फ रिस्पेक्ट ऑन आर वैनिटी मे पॉइजन अ होल डे। तो वो बोलते हैं कि जो फिजिकल पेन है वह बहुत जल्दी भूल भी सकते हैं हम, पर जो हमारे आत्मसम्मान को और हमारे अभिमान को ठेस पहुंचाई जाती है वो पूरे दिन को जहरीला बनाती है। ये उसका जवाब है, आप जवाब नोट डाउन कर लीजिए। और इसके साथ ही जो दूसरा प्रश्न है वह है कि व्हाट इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ सिविलिटी। कि सिविलिटी यानी नागरिकता यानी सभ्य व्यवहार की सबसे पहली और सबसे ज़रूरतमंद कौन सी चीज़ है वह बताया गया है, और उसका जवाब जो है मैं आपको अगले वीडियो में दूंगी, क्योंकि उसके लेकर उसका उसके रिलेटेड जो एक्सप्लेनेशन है वह अभी बाकी है, और इसके आगे का जो है हम समय आने पर देखेंगे। थैंक यू वेरी